देश में आज से शुरू होगा कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, जिसकी शुरुआत हो गई है। कौन होंगे इसमें? 60 साल और उससे ज्यादा के उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। साथ ही 45 से 59 साल के उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो कई और तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहले दिन प्रदेश में करीब 23,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में 900 लोगों को और बाकी जिलों में 300-300 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। कौशल, बिल्कुल, तो आज तीसरा चरण है कोविड वैक्सीनेशन का और प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी, लखनऊ में 900 लोगों को वैक्सीन लगेगी और बाकी जो जिले हैं उसमें 300-300 लोगों को टीका लगाया जाएगा कोविड वैक्सीन का। बिल्कुल, तो कौशल चलो ज्यादा डिटेल ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश दिल्ली से इस वक्त जुड़े हैं, लाइव हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अविनाश सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये खबर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये जो तीसरा चरण है उसमें खास तौर पे बुजुर्गों का और कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे लोगों का नाम चुना गया है। इसके बारे में और किस तरह की डिटेल्स है, किस तरह की जानकारी है अविनाश, इसे पूरा कीजिए। देखिए इसने लता, अगर बात करें तो आज से जो 45 साल के ऊपर गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं और 60 साल से ऊपर लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। अगर बात करें तो इन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पे कराना होगा। जब इनको कंफर्मेशन मिलेगी तभी इनको हॉस्पिटल जाकर वैक्सीन लेनी पड़ेगी। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों पर रखा गया है कि दोनों जगह जाकर आप कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगी। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाकर लेते हैं तो उसकी जो डोज की कीमत है वो 250 प्रति डोज रहेगी। 250 रुपए प्रति डोज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को दो डोज लगता है, यानी कि 500 रुपए से ज्यादा कोई भी अस्पताल पूरे कंप्लीट कोरोना डोज को लेकर इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 20 ऐसी बीमारियों को चिन्हित किया है जिससे ग्रसित 45 साल की उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, जिसमें कैंसर है, हार्ट फेलियर है, या फिर जिसको हार्ट अटैक की सर्जरी हो चुकी है और भी तमाम ऐसे अन्य बीमारियां हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि इन 20 बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं 45 साल के ऊपर हैं वो जाके इसमें वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वही अगर बात करें तो आज सुबह से ही 9 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो लोग अपना कल पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन सभी को उनका जो कंफर्मेशन है वो मिल चुका है। उस कंफर्मेशन के साथ उनको हॉस्पिटल जाना होगा और उसके बाद फिर वो अपना कोविड टीका ले सकते हैं। इसी तरीके से चरण की शुरुआत होगी और इस चरण में अगर बताया इसने लता तो प्रधानमंत्री समेत कई सारे केंद्रीय मंत्री भी एक एक करके इस कोरोना वैक्सीन को लेंगे जो 60 साल से ऊपर है। बिल्कुल, तो काफी अहम ये तीसरा चरण हो जाता है कोविड वैक्सीनेशन का, क्योंकि एक ओर 5 राज्यों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर ये वैक्सीनेशन जिसमें 60 साल और उससे ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों को भी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, करीब एक साल से बंद चल रहे उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल आज से खुल जाएंगे। इस दौरान सभी स्कूलों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पूरा पालन करना होगा। साथ ही स्कूल में आयोजित होने वाले सामूहिक आयोजन और खेलकूद पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल में सिर्फ 50% बच्चों को ही बुलाया गया है। राजधानी लखनऊ में बच्चों के स्कूल पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए। बिल्कुल कौशल, और वो लाइन फिर से याद आ रही है, स्कूल चले हम, लेकिन इस बार बस्ते में टिफिन के साथ मास्क होना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था। हालांकि ये सारी चीजें स्कूल्स की भी जिम्मेदारी होंगी कौशल, जहां पर उनको ध्यान रखना होगा कि बच्चे के पास अगर मास्क नहीं भी है तो उसे मुहैया कराया जाए। सैनिटाइजर की व्यवस्था जगह जगह पर करनी होगी। बिल्कुल, स्कूलों को तो खास तौर पर निर्देश दिए गए कि अगर बच्चे किसी वजह से नहीं कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हैं लेकिन जो शिक्षक हैं उनको पालन कराना ही होगा। बिल्कुल, ये पहली पाठशाला में पहली कक्षा जो होगी शायद सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर ही होगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपने बैग को पैक करके फिर से स्कूल की ओर आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि उन तमाम बच्चों का दिन अच्छा होगा। उन सभी बच्चों के लिए एक गुड मॉर्निंग और अच्छा मैसेज, कोविड के जो भी गाइडलाइन हैं उन्हें फॉलो करिएगा, अपने टीचर की बात मानिएगा और इसी के साथ पॉजिटिविटी के साथ स्कूल जाइएगा। ये है बड़ी खबर। बिल्कुल, जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज ये वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। नड्डा आज बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, साथ ही जो बूथ स्तरीय बैठक है जो ऑर्गेनाइज की गई है वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। यहाँ पर खास क्या होगा, सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे। इसके बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों के साथ भी उनकी जो ये बैठक है, जो मीटिंग है, वो प्रपोज्ड है। तो यानी कौशल, कुल मिला के कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की पावर का
जो इस्तेमाल या यू कहें कि फायदा, ये दो लंबा दौर है कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक ट्रेंड ही शुरू किया था और आज हर जगह प्रभारी होते हैं, वॉरियर होते हैं डिजिटल। बिल्कुल, इसने लता जब बीजेपी अध्यक्ष जब भी कहीं दौरे पर जाते हैं तो खास तौर से वो जमीनी स्तर से, बूथ स्तर से शुरुआत करते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उनको तमाम दिशा निर्देश भी देते हैं कि उन्हें कैसे मैदान में उतरना है। क्योंकि कल की जो मीटिंग थी, कल की जो बैठक थी, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की जो नव निर्वाचित लोग थे, यानी जो लोग पार्टी में पहली बार कदम रखे हैं उनको कुछ जानकारी हो, उनको आइडिया लगे। दूसरी बार उन्होंने कोशिश की थी कि जो मंडल स्तर पे हैं और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की जाए और उनके आपसी तालमेल पे फोकस किया जाए ताकि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। कोऑर्डिनेशन का रोल बहुत अहम है, ये बात वो जानते हैं। और इसके बाद आज का दिन जो है कुछ इस तरह से शुरुआत देखिए करेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए, सीधे नीतीश का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं बीजेपी अध्यक्ष के आज के कार्यक्रम। जी नीतीश, आज बीजेपी अध्यक्ष के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे, लेकिन जो बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होंगे वहां क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं नड्डा? आपको बता दें कि जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे, बनारस पहुंचे और बनारस में जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से, अगर पार्टी के जो आला नेता हैं और यही नहीं पूरे काशी क्षेत्र के जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात की, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत अगर कहें तो वो बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन से करेंगे और इसके बाद बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। वहां से दीनदयाल उपवन रवाना होंगे पड़ाव, वहां पर सबसे पहले सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं से और उसके बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों से बैठक करके लगभग 1:30 बजे के बीच एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अब आज के दौरे का आपका सवाल कि किस तरह से बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर किस तरह का उत्साह, क्या तैयारियां, पूरी बात। तो बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं उनकी खास महत्ता इसलिए है कि जिस तरह से आने वाले समय में पंचायत के चुनाव हैं उसमें बीजेपी का कल का जो मंत्र था वो साफ तौर पर यही था कि बूथ स्तर पर पूरी तरह से मजबूती होनी चाहिए। कल अगर बात करें तो जेपी नड्डा कल जिस तरह से यहाँ के प्रबुद्धजनों से मिले, इसके साथ ही पार्टी के जो आला नेता हैं, आला नेताओं में विधायक, MLC और इसके साथ ही मेयर तक से पूरे इनपुट लिए और साफ तौर पर यह संदेश दिया कि पार्टी और संगठन दोनों एक साथ मिलकर चले, पार्टी के जो नेता हैं वो संगठन की बातों को समझे और संगठन के जो लोग हैं वो पार्टी के या सरकार के जो नीतियाँ हैं उनको जनता तक पहुँचाएं। ये सारी बातें हुई और आज ये अहम दौरा इसलिए है कि जिस तरह से सोशल मीडिया आने वाले समय की या इस समय की भी जो जरूरत बनती जा रही है उसमें आने वाला जो चुनाव है वो सोशल मीडिया किस तरह से भूमिका निभाए इसके लिए सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को नीतीश और कोरोना काल में भी देखा गया है कि सोशल मीडिया यूजर्स हो या फिर उनका कंजप्शन दोनों काफी बढ़ा है। तो अब यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी में भी चेंज किया जाएगा इसके मद्देनजर, ये सारी चीजें आज निकल के आएंगी तो हम आपसे दिन भर अपडेट तो लेते ही रहेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। जो नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाली है, सुबह 11 बजे से प्रयागराज के बसवार गांव से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। यात्रा का समापन कब होगा? 20 मार्च को बलिया में। प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो कौशल, कुल मिला के देखा जाए कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाशने के लिए नदी का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों काफी एक्टिव है उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर, और बसवार गांव उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि बीते दिनों में पुलिस और निषाद समुदाय के लोगों में एक विवाद हुआ था, झड़प की स्थिति हुई थी। ये तस्वीरें भी हम आपको उसी दिन की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब निषाद समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं एक सोची समझी एक रणनीति के तहत इस अभियान की शुरुआत बसावर गांव से करने की सोची। बिल्कुल, निषाद और केवट जो समाज है वो उनका नदी से लेना देना है, पुराने काल से ये उनकी रोजी रोटी चली आई है, तो शायद उन्हें साधने के लिए ये तरीका हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नड्डा बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे, साथ ही बूथ स्तरीय बैठक में शिरकत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। द
देवरिया में कांग्रेस ने किसान महासम्मेलन किया। महासम्मेलन में कांग्रेस नेता बैलगाड़ी लेकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले। इसी बीच कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता बैलगाड़ी के पास खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, तो एक बैल ने कार्यकर्ता को लात मार दी। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण में शामिल हुए। इस दौरान अभिषेक मिश्रा ने सीएम योगी पर तीखे हमले किए। भदोही में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहां मारपीट के विवाद में आधी रात को एक युवक को पकड़ने पहुंची पुलिस ने जमकर तांडव किया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। और कुशीनगर में जमीन के विवाद में गोली चल गई। गोली नागेंद्र दुबे नाम के एक शख्स के पैर में जाकर लगी है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के दौरान दो पक्षों में ये विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती में सरकारी डॉक्टर का शव घर में फांसी से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। घटना सदर कोतवाली की शिवा कॉलोनी की है। मृतक का नाम डॉक्टर मणि प्रकाश है, जो कैली हॉस्पिटल में तैनात थे। और गोरखपुर के नौतनवा विधायक अमन मणि त्रिपाठी के घर कोतवाली पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर 1882 पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ ये वारंट जारी किया था। आजमगढ़ की थाना बरहत पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की है, साथ ही तस्कर को केस दर्ज कर जेल भेज दिया। मऊ में एसओजी थाना घोसी और मधुबन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से 10 बाइक्स को बरामद किया है। चंदौली में पुलिस ने ट्रक में छिपा कर लाया जा रहा प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। कफ सिरप की खेप ट्रॉफी और कफ सिरप की जो खेप है वो बरामद की गई। इसके अलावा सोनभद्र की बात करते हैं, जहां करपा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट किया है। जब्त करने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस दौरान 440 पेटी शराब को गड्ढे में दबाकर उसे नष्ट किया गया। गोड्डा में डीएम के निर्देश पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण जारी है। इसी कड़ी में उपजिलाधिकारी कर्नलगंज ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अल्ट्रासाउंड सेंटर और मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। महोबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है कौशल, और ये बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की लापरवाही से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग की मिली भगत से अवैध भवन का एक निर्माण चल रहा था। इसी दौरान दीवार के ढहने से यह हादसा पेश आया है, जहाँ 3 मजदूर मलबे में दबे। सूचना मिलकर सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कर मृतकों को बाहर निकाला गया है। मजदूरों की मौत से परिजनों में कोहराम है। तो कुल मिला के लापरवाही किसी की, करे कोई भरे कोई कौशल। बिल्कुल, और फिलहाल मजदूरों का क्या कुछ हाल है वो तो अब अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वही बेहतर बता सकते हैं। तो झलकारी बाई तिराहे के पास में एक निर्माणाधीन मकान था, जैसा आप बता रहे हैं, और निर्माण के दौरान ही वहाँ जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुप छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झलकारी बाई लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल का एक और कारनामा सामने आया। यहाँ मरीज की मौत के बाद परिजनों को बंधक बनाया गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि मरीज की मौत के बाद परिजनों को 5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया, और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले भी कई बार मीडिया में अपोलो हॉस्पिटल की पोल खुल चुकी है। बताया जा रहा है कि बाईपास सर्जरी के लिए पेशेंट रामा लक्ष्मी देवी को भर्ती किया गया था, लेकिन सर्जरी के दौरान रामा लक्ष्मी की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का शव सौंपने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन परिजनों से पैसों की बोली लगाने लगा, और ये वीडियो मृतक के परिजनों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल भी है। मैं खुद बोल रहा हूँ, देखिए मेरे को 25,000 बोले सच है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। एम्स में पीएम मोदी ने पहली डोज लगवाई है। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, तीसरे चरण की शुरुआत है, तो शायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचकर पहली डोज
खुद को लगवाते हैं ताकि एक संदेश लोगों के बीच में जाए। कौशल, ये किसी से नहीं छुपा है, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स ही हो, जिन लोगों का नाम प्रपोज था उन्होंने डोजेज नहीं लगवाई, वो एन वक्त पे गायब हो गए। शायद उससे बचने के लिए भी एक तरीका हो सकता है जहां खुद प्रधानमंत्री ये डोज लगा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि पहले प्रधानमंत्री या सीएम क्यों नहीं वैक्सीन को लगवाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको संदेश मिल गया, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है कोविड की, और साथ ही उन्होंने एक अपील भी की है लोगों से कि डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कौशल, जो नोशन है लोगों के अंदर ये है, जो डर है वो शायद दूर करना बेहद जरूरी। देखिए, जो कैटेगरी जिनकी आज हम बात कर रहे थे उसी में लाइक करते हैं, उसी में कॉल करते हैं हमारे पीएम भी, क्योंकि एक उम्र से 59 साल से उम्र के अधिक के लोगों के लिए आज की डोज प्रपोज्ड है, जिनका रजिस्ट्रेशन अविनाश ने हमें बताया कि किस तरह से होगा। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन करवाया है, कोविड वैक्सीन की डोज लगवाई, और अपील क्या कुछ की है लोगों से वो भी बताइए। कौशल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचकर एम्स अस्पताल में उन्होंने कोरोना की पहली डोज ली है, जो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड वैक्सीन लें, जिससे कि इस महामारी से निपटा जा सके। और प्रधानमंत्री ने खुद कोरोना वैक्सीन लेते हुए अपनी फोटो को ट्वीट किया है और साथ में अपील भी की है तमाम लोगों से कि जाएं और वो कोरोना वैक्सीन लें। जिस तरीके से आज 45 साल के ऊपर जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और 60 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं उनको कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है, ये शुरुआत हो रही है। और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अगर जाके कहें कि जो 60 वर्ष से ऊपर लोग हैं उनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जाकर खुद आज कोरोना वैक्सीन ली। और जिस तरीके से तमाम सारे विपक्षी पार्टियों के लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी के नेता पहले वैक्सीन ले, प्रधानमंत्री पहले ले, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब भी दिया, सबसे पहले खुद जाकर आज एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली और लोगों से अपील भी की। चलिए, ये मैसेज काफी लाउड एंड क्लियर हो गया अविनाश, अब बाकी लोगों के जहन में भी किसी तरह का संशय या संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कौशल, ये बड़ी बात रही है, देखिए आज सुबह से जाते 9 बजे से ही तो शुरुआत होनी है, उससे पहले ही आज काफी पहले ही अभी बहुत पहले प्रधानमंत्री खुद एम्स पहुंच गए, वैक्सीन लगवाई, बाकी लोगों के लिए तो 9 बजे। तस्वीरें देखिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कोविड वैक्सीन लगवाते हुए, एम्स की ये तस्वीरें हैं जो पीएम ने खुद ट्विटर पर साझा की है। बिल्कुल कौशल, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आम लोगों के लिए तो ये खिड़की 9 बजे खुलेगी, लेकिन उससे पहले ही, वक्त से पहले ही ये तस्वीर आ चुकी है जहां पर खुद कोविड-19 वैक्सीनेशन के साथ ये फोटो ट्वीट की है। एक कहते हैं, एक तस्वीर 100 या 1000 शब्दों से ज्यादा ताकत रखती है, तो शायद वो तमाम विपक्षी दल कौशल जो सवाल कर रहे होंगे उनके लिए ये तस्वीर काफी होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, जिसका जो असल वजह है वो है आम लोगों के बीच में ये भावना होना सुरक्षा की, कि ये कोविड वैक्सीन उनके लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, इससे डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे, साथ ही बूथ स्तरीय बैठक में शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक है, बाद में मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी के साथ भी की बैठक होगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर कांग्रेस की नदी अधिकार यात्रा आज से शुरू होने वाली है। यात्रा की शुरुआत वो सुबह 11 बजे प्रयागराज के बसवार गांव से करने वाले हैं और 20 दिन तक ये यात्रा चलेगी, जिसका समापन 20 मार्च को बलिया में होगा। और प्रदेश में आज से शुरू होगा कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, जिसकी शुरुआत होगी आज। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है, साथ ही 45 साल से 59 साल के उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो कई तरह की बीमारियों से पहले से जूझ रहे हैं। पहले दिन प्रदेश में करीब 23,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है, जिसमें 900 लोगों को लखनऊ से चिन्हित किया गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, बाकी जिलों से 300-300 लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। और यूपी में आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल्स खुल जाएंगे। स्कूल को सरकार की ओर से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा। स्कूल में सामूहिक आयोजन हो, खेलकूद हो, इन सब चीजों पर पाबंदी रहेगी। साथ ही सिर्फ 50% बच्चों को ही स्कूल में बुलाना होगा। अब उत्तराखंड में क्या कुछ खास है वो भी बता देते हैं। उत्तराखंड में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। त्रिवेंद्र सरकार का यह 5वां बजट सत्र है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन होगा। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा बजट सत्र में और 4 मार्च को सीएम त्रिवेंद्र रावत बजट पेश करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी खुलने वाले हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में
छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, साथ ही मास्क पहनना और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा। इसके अलावा बात करते हैं रुद्रपुर की, तो रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत है जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। रुद्रपुर के FCI गोदाम के सामने मैदान में किसानों की यह महापंचायत होगी। उत्तराखंड के अलावा यूपी के किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, 4 से 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।